स्वास्थ्य विभाग एवं प्राइवेट डॉक्टरों के एसोसिएशन की बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि डॉक्टर इमरजेंसी सेवा में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों का इलाज पूरी सुरक्षा के साथ करें तथा अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाए एवं साफ सफाई भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन में अन्य बीमारियों के मरीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं टेली मेडिसिन के माध्यम से इलाज करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी साफ सफाई के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करें। डीएम ने कहा कि डॉक्टरों के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो सके इसके लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं और ऐसी घटना संज्ञान में आते ही संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी सहित अन्य अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। मल्टीपल स्पेशलिटी बहुत था, ज्यादा सर के यहाँ सब स्पेशलिटी है, ऐसे ही कुछ। आप यार इस समय में क्या क्या चल रही है आपका हॉस्पिटल में? सर जो भी इमरजेंसी में जनरल ट्रोमा सेंटर के थोड़ा कुर्सी डायलिसिस पड़ जाए, जो डेंगू पेशेंट है हमारे। फातिमा में किस टाइप का चल रहा है इस समय में? पेशेंट किस टाइप का पेशेंट का आप ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं? पेशेंट तो कम है, वही इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है। रोजाना कितने ऑपरेशन चलता होगा? लखनऊ से आते सर, वो सब लोग कोई कर रहे हैं। यहाँ किसी को लाना तो बता दीजिए, हम ला लेंगे। ऐसी कंडीशन हम बहुत चाह रहे हैं, हमारे मनोज श्रीवास्तव सर एक आपके ऑपरेशन ला लीजिए, हम तो तुरंत दे देंगे के लिए हमेशा। तो आप कहाँ से? सर डॉक्टर आनंद अग्रवाल, आनंद हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। वाला है एक दो प्रॉब्लम मेरी है, हेडेक लोगों से कम हो जाता है। सर ये हेडेक के लिए क्या है? कोविड टेस्ट कर रहे हैं, सर हम बताते हैं कि मास्क थोड़ा गीला हो जाए तो बिकम यूजलेस। तो